हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो आपने थंबनेल पे तो देख ली होगी कि इस चीज़ से रिलेटेड है। तो वंस अगेन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, सबको मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज है मदर्स डे, आज है संडे मदर्स डे, ठीक है। हर साल मई के सेकेंड संडे को मदर्स डे मनाया जाता है। और आई होप कि आप सब लोग भी अपनी माँ बहन जो भी आपके घर पे है सबको मदर्स डे विश करना ना भूलिएगा। और मैं खासकर, मेरा ये ओपिनियन है कि जब आप अपनी बीवी को, अपनी माँ को, अपनी बहन को रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हो या उनकी बातें सुनना शुरू कर देते हो, तब से मेरे हिसाब से लगता है कि उस दिन से हर दिन मदर्स डे होगा, हर दिन वुमेंस डे होगा, ठीक है। उस दिन शायद एक औरत को अपने लिए इतना फाइट नहीं करना पड़ेगा कि हर चीज़ के लिए, ठीक है। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो यहीं नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपने मेरे थंबनेल पे देख लिया होगा, आज है मीशो और अमेज़ॉन रैंडम हॉल। तो ये वीडियोज़ मेरे पास कुछ मीशो के प्रोडक्ट थे और कुछ अमेज़ॉन के प्रोडक्ट थे, तो मैंने सोचा पहले अलग अलग बनाऊं, बट स्टिल की नहीं, मैंने सोचा कि थोड़े थोड़े तो हैं तो मैंने दोनों को साथ में ही बनाऊंगी। तो उसी के चलते आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि आज मैं बहुत ज़रूरी चीज़ लाना ना भूली, सीज़र, क्योंकि हर बार मेरा हो जाता ना कि सीज़र मुझे मिलता ही नहीं है। तो उसके हिसाब से मैंने सोचा कि सीज़र पहले ही रख लेती हूँ। तो सबसे पहला मैं ओपन करूँगी मीशो के ये जो प्रोडक्ट्स मेरे पास आए हुए हैं ये, ठीक है, ताकि वीडियो भी बने रहे और इसमें अगर कुछ गड़बड़ हो तो वो भी हमें साथ के साथ ही मिल जाए, ठीक है। तो फटाफट से कट करते कट। तो मैंने मंगाए थे अपनी बेटी के लिए नी पैड जो मुझे प्रोवाइड हुए हैं कुछ इस प्रकार के, ये देखो, ठीक है। तो उसमें 1 लिखा हुआ था तो मुझे लगा शायद एक ही नी पैड मिलेगा, तो 1 का पेयर, वो मैंने बाद में जब मेरे पास ये रिसीव हो गया था मुझे, तब मैंने पढ़ा कि अरे ये तो 1 का पेयर था। पहले मैं बहुत खुश हो गई थी, अरे मीशो ने शायद गलत कुछ उन्हें जल्दीबाजी में डाल दिए होंगे 2, पर नहीं, वो जो क्यों डालेंगे, वो तो अपना जितना उनके पास क्वांटिटी होगी उसी हिसाब से डालेंगे, मेरे को देख के अलग ही वो 2 थोड़े डालेंगे, है ना। तो उसके साथ ही मैं बताती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी है ना, बहुत जैसे हम नीचे घूमने जाते हैं तो उसके क्या होता है, वो गिर जाती है, तो उसके घुटने छिलके ऐसे हो गए हैं काले चपट्टे से कि क्या बता दूँ। तो उसे बहुत ज़्यादा पेन भी होता है, तो उसके चलते मैंने सोचा कि उसके लिए नी पैड मंगाया जाए। तो दिखने में तो सेम ही, जो मैंने कलर मंगाया था वही सेम ही आया। एंड देन अब इसकी क्वालिटी देख लेते हैं, ओके क्वालिटी भी सही लग रही है। तो आपको मिलेगा ये एप्पल वाला नेट, ठीक है, जैसे होते हैं ना कि एप्पल जब बहुत फ्रेश वाले होते हैं तो वो ऐसे नेट में आते हैं, तो वही वाला नेट मिलेगा आपको। अगर आपके घर में बच्चे तो उसके आगे शायद कुशन लगा दो और ये एप्पल वाला नेट लगा दो, तो वही लगेगा। तो क्वालिटी तो बिल्कुल अच्छी लग रही है वैसे ना, और ये भी इसका कुशन भी काफ़ी अच्छा लग रहा है जो नी को हमारे कवर करेगा, ठीक है, बहुत ही सुंदर सा लग रहा है, और स्टिचिंग भी सही है। तो ये मुझे मिले हैं 99 रुपीज़ के 2, मतलब 1 पेयर, ठीक है, 2 घुटनों के लिए, और इसका टैटू उल्टा हो गया, सॉरी। तो ये मुझे कुछ ऐसे प्रोवाइड हुए हैं, मस्त लग रहे यार ये, ठीक है। तो फर्स्ट मेरा 99 रुपीज़ का हो गया ये, ठीक है। तो सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, तो सेकंड है मेरा, ये भी मीशो का ही प्रोडक्ट है। एंड देन मैंने इसका बहुत ज़्यादा रिव्यू भी देखा था और बहुत ज़्यादा मैंने इसे किसी के पास देखा था, तो मुझे ये पसंद आया था पर्सनली। इसे मशरूम की तरह आपको मिलेगा ये, ठीक है। तो मैं इसके पहले फाड़म फाड़ी करते हैं एंड देन उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या है। लिटरली आप यकीन नहीं करोगे, ओ माय गॉड, पैकेजिंग इसकी बाहर से अच्छी है पर अंदर से बिल्कुल अच्छी नहीं है। एक छोटा सा ऐसी पॉली बैग में डाल के दे देते, पर नहीं, सिंपली ऐसे डाल के दे देंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, तो मैं आपको बता दूँ, ये है मशरूम वाले ब्यूटी ब्लेंडर। तो ये मुझे शायद 100 के आसपास ही, तो ये मुझे पड़े, वाह इसका ये कितना मस्त लग रहा मशरूम वाले 3, मुझे लगा शायद बहुत सारे अलग अलग कलर आएंगे, कितना मज़ा आएगा, बट इसमें सिर्फ स्टिल के येल्लो कलर अलग आया, बकायदा ये सारे पिंक ही आए। वो पर ये पहले एक बार धोने के, वाह
इसका स्पंज इतना अच्छा है ना, पर ये बार ना धुलेंगे एक बार क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं। और उन्होंने ऐसे कोई रैपिंग वगैरह भी तो डालती, रैपिंग के लिए मैं इसको देती हूँ 10 में से 0, और इसकी क्वालिटी के लिए देती हूँ मैं इसे 10 में से 10, क्योंकि बहुत ही प्यारे प्रिटी से है ये मशरूम, क्या बोलेंगे इसे, मशरूम ब्यूटी ब्लेंडर। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आए, अगर आपको भी पसंद आए तो लेना ना भूलेगा। और कलर्स आपको शायद सेम भी आ सकता है, सिर्फ मुझे तो येलो कलर मिला है जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट। देखो मैंने पिंक नेल पेंट भी लगाई है, मज़ा ही आ गया इसे देख के। तो मुझे लगा था कि शायद कहीं फ्रॉड ना हो जाए, इसलिए मैंने कैमरे के साथ ही खोला था, बट स्टिल की ये बहुत प्यारी आई है, बहुत ज़्यादा प्यारी। ठीक है, तो चलिए दो चीज़ें तो मेरी बहुत ही मस्त आई है, अब बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। तो ये मैंने अमेज़ोन का है, तो मैंने पहले ही इसका अनबॉक्सिंग कर दिया था क्योंकि ये खोलने वाला था कि अनबॉक्सिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये मैं बता दूँ आपको ये क्या है, ये मंगाई थी मम्मी ने बेल्ट, क्योंकि आज मदर्स डे पे उन्होंने किसी फंक्शन में जाना था, तो वो जब मम्मी ने ऑर्डर कर दिया था तो आने वाले थे, तो उसके जस्ट बाद वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया था। तो मम्मी ने बोला कि कोई बात नहीं आने देते हैं, अगर मुझे अच्छे लगे तो रख लेंगे, नहीं तो कोई। मम्मी ने स्पेशली एक ड्रेस के लिए ऑर्डर किया था। ठीक है, तो ये मैं बता दूँ आपको, तो ये कुछ ऐसे लगेगा। ठीक है, इसके अंदर ना ये आपको होल मिल जाएंगे, उसमें अंदर छोटे से ये हुक एंड देन स्टार्ट पिनअप हो जाएगा। और ये पूरा इसमें ना क्या बोलते हैं इसे, सीक्वेंस वाला वर्क है। ठीक है, तो इसकी क्वालिटी इतनी मस्त है ना, कितना भी मोटा बंदा हो साइज़ में वो इसे आराम से इजीली पहन सकता है, बहुत ही कंफर्टेबल, और क्या बोलते हैं इसे, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल तो है ही। एंड बाकायदा ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है, यस ऑफ कोर्स कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी अगर हम इसे बेल्ट की तरह बेल्ट की तरह यूज़ करेंगे, नहीं तो ऐसे गले में पहनेंगे तो कुत्ते का पट्टा लग रहा है भाई। पर ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा मुझे तो, प्रिटी लगा ये, किसी भी ड्रेस के साथ आप इसे यूज़ कर सकते हो इजीली। ठीक है, एंड सेकेंड बढ़ता है, सेकेंड भी आपको बता दूँ मैं, बेल्ट ही है। तो ये भी मम्मी ने अमेज़ोन से ऑर्डर की थी, तो इनका ओपनिंग वाला सीन था, देन उन्होंने भैया ने ओपन करके दिया था, बस मीशो का मेरा ओपनिंग वाला नहीं था क्योंकि वो छोटी मोटी चीज़ें, तो मैं इसे नॉर्मली देन सेकेंड है ये तो लग रहा है ना ताज वाला फील आ रहा है। तो ये भी एक ड्रेस के लिए मम्मी ने बाई की थी, और साथ ही उन्होंने इतना प्यारा सा बो बना के दिया था इस रिबन पे, और ये बेल्ट इतनी शानदार लग रही थी भाई, मज़ा ही आ गया था इसे देख के मुझे तो, पूरा इसने वर्क किया हुआ है। ठीक है, पूरा वर्क है, एंड देन आपके साइज़ के हिसाब से इसने इतना प्यारा इतने फिनिशिंग से काम किया हुआ ना, आप अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग से टक कर सकते हो, ये नहीं है कि आपको एक ही जगह टक करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा पतले हो तो आप इसे यहाँ टक कीजिए, अगर जब बहुत ज़्यादा मोटे हो तो आप इसे यहाँ टक कीजिए, बिल्कुल एकदम एक नंबर वाला। ठीक है, अब मैं इसे टक करके दी, और इसका वो जो इसका लॉक होता है वो भी बहुत ही सही दिया हुआ है, ऐसे नहीं कि खुल जाएगा टूट जाएगा। ठीक है, बहुत सही दिया हुआ है, देखो मुझे तो एक नंबर लगाए। तो सारे प्रोडक्ट्स मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो ये जो अमेज़ॉन वाला है तो ये शायद मम्मी को 700 के समथिंग दोनों पड़े थे। ठीक है, और वो तो आप मम्मी आके बताइए, और मम्मी यहाँ है नहीं, तो जब आएंगे मम्मी तो देख लेंगे तब बता देंगे। अगर आप कोई किसी को चाहिए होगा या किसी कोई भी बाई करना चाहता होगा तो उसे उस टाइम पर मैं बता दूँगी, आप मुझे कमेंट्स करके बता देना कि आपको कौन सी चीज़ों का वो चाहिए, तो वो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, या फिर जस्ट ऐसे नॉर्मल बता दूँगी, क्योंकि ये मेरा कोई प्रमोशन हॉल तो है नहीं। ठीक है, जैसे मुझे पसंद आया तो मैंने ऐसे ही रैंडम आपके लिए भी बना दिया, शायद आपके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। ठीक है, तो चलिए गाइस, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो या ब्लॉग के साथ, और आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, और फिर मिलती हूँ आपको अगले वाले वीडियो किसी ब्लॉग के साथ, अच्छे चीज़ों के साथ। और अगर जिन्होंने अपनी जो भी अपनी मम्मियों के साथ मदर से सेलिब्रेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तो कमेंट्स में मुझे बताना ना भूलेगी आज आप कहाँ गए थे या आपने कैसे सेलिब्रेट किया उस चीज़ों के बारे में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली का। राधे राधे, जय माता।